अभी हम गुजरात में है और अभी हम फिर से मुंबई जाएंगे। मुंबई के लिए है बस अपनी पुरानी वाली जेके की, और ये आ गई बस। हम जाते और देखते हैं ड्राइवर और कौन है। बस के जो ड्राइवर है आरिफ भाई तो पुराने पहचानते हो गए, बहुत सारी वीडियो में आ चुके हैं कि नहीं आरिफ भाई। और इतने हुसैन भाई अपनी वीडियो में इतने आए नहीं है, क्योंकि अपन जब ये शूट करते हैं तभी ये सामने वाली रोड पे रहते हैं कि नहीं। हनीफ भाई ना अपने, ये सरफराज भाई कंडक्टर बस के है कि नहीं। तो अभी हम जाएंगे यहाँ से मुंबई के लिए। तो आरिफ भाई अभी अपन किधर है? अभी अपने जेसर गांव, दरिया के पास ना, अभी जेसर गांव आएगा। ठीक है, फिर अभी मुंबई अपन कितने बजे पहुँचेंगे कल? सुबह सात बजे तक पहुँच जाएंगे ना। तो चलो फिर अभी जाते हैं। अभी ड्राइविंग पे है अभी भाई, अभी कब तक ड्राइविंग करोगे आप? रात के दस बजे के बाद, फिर बाद में आरिफ भाई करेंगे ऐसा है। ठीक है चलो, फिर बस का अपन अंदर का बता देते हैं। सीट ये बस के अंदर की सब डिज़ाइन है, लाइट वगैरह, और ये अपनी सिंगल सीट है। तो चलो अभी हम आगे जाते हैं। तो अभी बस स्टार्ट हो गई है अभी, और यहाँ के बस के जो पिकअप मैन है वो क्या नाम है, सलमान मेहता जी। हाँ ऐसा है, आप किधर दीव से ही पिकअप करते हो ना? हाँ दीव से। क्या बोलते आरिफ भाई, कुछ बोलोगे नया? बस शांति है अभी तो। कैसे है रस्ते में, ट्रैफिक वगैरह है अभी? ट्रैफिक बहुत रहता है अभी, गोटामन चौकड़ी भरूच बहुत ट्रैफिक रहता है अभी। तो अभी टाइम हुआ है 4:30 बजे, और अभी यहाँ पे 10 मिनट के लिए थोड़ा होल्ड करेंगे। सलमान भाई अपने पिकअप मैन, क्या बोलते सरफराज भाई, क्या कर रहे हो? बस टायर चेक करूंगा अभी। हनीफ भाई से अपन बात करते, क्या बोलते हनीफ भाई अभी थोड़ा फोन पे बिजी है। क्या बोलते सलमान भाई, अभी मुंबई में किधर? मुंबई में अंधेरी घूमने के लिए जा रहे हैं। ऐसा है, ठीक है चलो फिर अपन थोड़ा रेस्ट करते। तो अभी टाइम हो चुका है ख़त्म, और अभी 4:45 हुआ है। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं फिर से, अभी हनीफ भाई ड्राइविंग पे है। हेलो भाई, बुलाओ। चलो हो गया सब, आ गए पैसेंजर। आ गया तो मैंने ये आज वो झोपड़ी पड़ेगी रोड क्यों की तो अभी टाइम हुआ है शाम के 6 बजे है, और हनीफ भाई ड्राइविंग पे है, और सलमान भाई इधर बैठे हैं, सरफराज भाई अभी किधर पहुँचना है अपन? सोनगढ़। अच्छा होगी।
तो अभी हनीफ भाई क्या है ये? भावनगर नारी खोपड़ी, भावनगर पे अभी अपन। अभी टाइम हुआ है 6:40 और यहाँ पे रुकेंगी क्या अभी? पाँच दस मिनट के लिए रुकेंगे। यहाँ पे क्या पैसेंजर का पिकअप है क्या? ऑनलाइन लेने का जाना हो? अच्छा ऐसा है, वॉशरूम वगैरह जाना हो तो जा सकते हैं ऐसा। ठीक है, अपने सरफराज भाई इधर है। चलो भाई 10 मिनट जा पड़े वैसे पड़े रोड से भाई। अभी भावनगर आया है। और हनीफ भाई कैसा लग रहा है गाड़ी चला के? बस बढ़िया। ऐसे आपको गाड़ी चलाना पसंद है क्या? बस हाँ। इसलिए गाड़ी चलाते हो ऐसा? आपको कौन से रोड पे चलाते हो ज्यादातर? मुंबई टू दीव के लिए ही सिर्फ? दीव बॉम्बे। कभी दूसरे रास्ते पे ऐसा गए हो? पहले अहमदाबाद की गाड़ी चला रहा था। अच्छा अहमदाबाद, दीव टू अहमदाबाद ऐसा? दीव टू अहमदाबाद, जेके ट्रैवल्स। अच्छा जेके में ही कर रहे हो? 12 साल हो गया जेके ट्रैवल्स। 12 साल पुराने हो ऐसा आप? इसमें ये कंपनी है ऐसा? ठीक है चलो, और कुछ बोलोगे? शांति। चलो फिर से। तो अभी यहाँ पे वेट कर रहे हैं अपन, थोड़ा होल्ड आया है इधर भावनगर में, फिर यहाँ से निकलेंगे आराम से। अपने सरफराज भाई अभी थोड़ा गाड़ी मिरर वगैरह साफ कर रहे हैं भावनगर में। फिर अगर आपको यहाँ से भावनगर से मुंबई जाना हो तो टिकट बुकिंग भी इधर होती है। सलमान भाई बुकिंग वगैरह भी इधर होती है? हाँ यहाँ पे सर, यहाँ से फिर मुंबई के लिए है? हाँ मुंबई के लिए। अच्छा फिर मुंबई सूरत भरूच अहमदाबाद बड़ोडा हर एक चीज़ जाना है। और यहाँ पे भावनगर की अगर आपको मिठाई खाना हो गुजरात की तो इधर मिलती है अंदर की साइड में। गुजरात में सबसे ज्यादा मिठाई ऐसे कौन सी चलती है खाने के लिए? यहाँ पे सबसे ज्यादा मिठाई ये थाबड़ी पेंडा यहाँ का फेमस है, थाबड़ी पेंडा बोलते हैं इसको। ये आइटम है, ये भावनगर की फेमस आइटम है, सिहोरी दानेदार पेंडा बोलते हैं इसको, एकदम प्योर दूध की आइटम आती है। तो ये इसका प्राइस क्या है? इसका प्राइस सिर्फ 320 रुपए किलो है। ये भावनगरी मरी वाला गाठिया है, 200 रुपए पर केजी है। अच्छा। इसमें 4-5 आइटम आता है, ये मरी वाला है, ये फुलबड़ी गाठिया आता है, ये मेथी वाला गाठिया है। और सबसे ज्यादा आइटम की मांग रहती है वो ये गाठिया है भावनगरी फेमस, सबसे बॉम्बे सूरत सब जगह पे यही गाठिया जाता है नाइलोन। ये नमकीन का 1 महीने का डेट होता है और पेड़े का 8 दिन का डेट होता है। ठीक है चलो, फिर अगर आप भावनगर में आते हो फिर ये देखो बस के सामने ही है, जस्ट बस इधर खड़े रहती है और ये शॉप इधर है, आप अगर लेके जाना हो तो लेके जा सकते हो घर पर। तो अभी बस स्टार्ट हो गई है, अनिफ भाई फिर से ड्राइविंग पे है, आरिफ भाई रात को चलाएंगे 10 बजे के बाद। सुनो सरफराज भाई हो गया, अभी निकलने का टाइम है, बस 2 मिनट में भाई। अनिफ भाई चाय पी रहे यहाँ की चाय बहुत अच्छी आती है भावनगर की। बस के देखो अंदर की लाइट अभी अच्छी लग रही है। फिर अभी हम निकल रहे हैं भावनगर से। बॉम्बे सूरत वापी वलसाड। तो अभी रात के बजे है 9, मैं आपको लाइट चालू करके बताता हूँ। 2 लाइट है इसमें, एक वाइट है और एक ब्लू है, दोनों चालू करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा। तो ये कुछ सीट के अंदर का माहौल है, ये कुछ विंडो के बाहर का, और मैं यहाँ का बताता हूँ, ये बस के बाहर का कुछ ऐसा माहौल है और केबिन का कुछ ऐसा।
तो अभी रात के 9 बजे है और नाइट ड्राइविंग अभी चल रही है। तो सलमान भाई अभी किधर पहुँचे अपन? तारापुर पहुँचेगा 10-15 मिनट। तारापुर पहुँचेंगे, वहीं पर होल्ड है ना अपना? हाँ, तारापुर आया। ठीक है, और हनीफ भाई ड्राइविंग कर रहे हैं अभी। हनीफ भाई, तारापुर के बाद फिर ड्राइविंग आप करोगे या फिर उनको दे दोगे? हनीफ भाई को दोगे फिर? हाँ, ड्यूटी पूरी हो जाएगी। अच्छा, तो अभी 10 मिनट में होल्ड आएगा, होल्ड के बाद ड्राइवर जो है वो चेंज हो जाएंगे। हनीफ भाई के बाद फिर आरिफ भाई आएंगे। अंदर की लाइट, अभी होल्ड आया है, आया है या नहीं आ रहा है। ड्राइविंग करके हो गया हनीफ भाई का। हनीफ भाई अभी कौन करेगा ड्राइविंग? आरिफ भाई। आरिफ भाई, तो अभी आप यहाँ से सो जाओगे ऐसा? हाँ, अभी 3-4 घंटे आराम करने का, फिर 3-4 घंटे बाद फिर से ड्राइविंग करोगे? हाँ, बाद में वापस महाराष्ट्र बॉर्डर से मेरे चलाने। अच्छा, ऐसा है। ठीक है, ठीक है, चलो फिर हम भी थोड़ा फ्रेश होके, अभी खाना पीना खा लो। खा लो, बराबर है। चलो चलो, टाइम मैं बता दूँ आपको, टाइम अभी 10 बजा है। तो अभी हम खाना पीना कर चुके हैं और बस अभी निकलने की तैयारी चल रही है। और ये सेकंड होटल है, खाली
और अभी फिर से ड्राइविंग पे आ गए आरिफ भाई। आरिफ भाई चलो अभी आपकी बारी, अभी फुल नाइट ड्राइविंग करेंगे आरिफ भाई। और होटल से अभी निकल गए। चलो हनीफ भाई, क्या अपनी वीडियो देख रहे हो? हाँ हनीफ भाई, सब पुरानी वीडियोस देख रहे हो यूट्यूब पे? अल्ताफ भाई की वीडियो है, अल्ताफ भाई वाली है। भाई क्या सो रहे हो अभी? नहीं, अभी आधा घंटा बैठने का है, बाद में सोने का। तो अभी हनीफ भाई जा रहे सोने के लिए। अभी सोने का है, हाँ अभी 4 बजे है वापस ड्राइविंग करने का। ठीक है चलो भाई। अभी लाइट्स ऑफ किया है क्योंकि जो सामने की गाड़ी है उसका रिफ्लेक्ट ना है कांच में, उसकी वजह से लाइट ऑफ किया है अभी। तो अभी रात के बजे है 3 और थोड़ी नाइट ड्राइविंग हम देख लेते हैं। अभी नाइट ड्राइविंग में अपने आरिफ भाई है और सलमान भाई। अब तक आप बैठे हो इधर? हाँ, मैं तो सोता ही नहीं हूँ, एक डेढ़ घंटा नींद बस।
गाने बजाने का, एंजॉय करने का। आरिफ भाई का ठीक है, हाल कैसे है? ठीक है बस बस। तीन बजे अपन नौसारी भी पहुँचे हैं ना। ये सूरत तो गया, सूरत गया कभी से गया, नौसारी जाएगा इसके बाद क्या आएगा वापी। यहाँ पे हो रही है ड्राइविंग और अंदर का माहौल एकदम शांत है, सारे पैसेंजर सोए हुए हैं और बस देखो ड्राइविंग देख लो। अभी 4 बज गए हैं और आरिफ भाई ड्राइविंग। आरिफ भाई क्या कौन से इलाके में अपन आया? अभी वलसाड। वलसाड है फिर इसके बाद अभी वापी आएगा। अभी मुंबई कब तक पहुंचेंगे? मुंबई 6:30 बजे तक। आज ट्रैफिक मिलेगी मुंबई में? नहीं अभी ट्रैफिक लॉकडाउन के हिसाब से कम है। ठीक है चलो फिर देखते हैं आगे। तो अभी हम महाराष्ट्र बॉर्डर पर आ गए हैं और अभी आरिफ भाई की यहाँ पे ड्राइविंग ख़त्म होती है। अब यहाँ से फिर से हनीफ भाई ड्राइविंग करेंगे। आरिफ भाई हो गया ड्राइविंग करके? ओ, अपना टाइम खत्म। अभी अब सो जाओगे कि क्या करोगे? अभी सो जाने का। अभी आराम करोगे ऐसा? हाँ अभी आराम। ठीक है चलो फिर अभी यहाँ से हनीफ भाई ड्राइविंग करेंगे। सरफराज भाई थोड़ा चाय वगैरह लेने के लिए गए हैं। हनीफ भाई आ गए। हनीफ भाई फिर से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। 5 बज गए। अभी मुंबई तक आप ही? हाँ। सरफराज भाई अभी चाय लेके आ गए। चलो आरिफ भाई भी आ गए। हो गई है।
आरिफ भाई क्या आया नोटिस में? नोटिस में क्या आया? नोटिस में आया अब ये लंबी गाड़ी नहीं चलेगी, 3 सीटर ही चलेगी। ये बॉर्डर वालों ने दिया है? हाँ बॉर्डर वालों ने दिया है। लंबी है, इतनी लंबी बस नहीं चलेगी, उसको पीछे से एक सीट कट कराना पड़ेगा, ऐसा कुछ है, देखते क्या है। तो अभी हम आ गए हैं मुंबई सिटी के अंदर और सुबह के 7:20 हुए है। हनीफ भाई इधर लेके आ गए। हनीफ भाई आ गए मुंबई अब? हाँ, सबसे पहली गाड़ी अपनी है ना? हाँ पहली गाड़ी है। हाँ सब गाड़ी अभी से उसको आने में अभी 1.5 घंटा लगेगा। ऐसा है, अपनी गाड़ी सबसे आगे पहुँच गई मुंबई। ऐसा है। हाँ मुंबई में क्या है, 8 बजे से पहले आ जाओ तो ट्रैफिक नहीं मिलती। हाँ, ट्रैफिक नहीं मिलती ना, वरना 8 बजे के बाद और लटक जाते हैं। अब और लटक जाते हैं। अनिल भाई अपन को भी आगे सिग्नल के पास ही उतार देना, ठीक है? चलो तो फिर अपना भी आ गया बैंड्रा में। प्रस भाई क्या बोल रहे हो, कुछ बोलोगे? कुछ नहीं बस शांति है अभी। रेडी? चलो अनिफ भाई थैंक यू। आरिफ भाई को भी बोल देना थैंक यू, वो तो सोया है ना क्या? चलो चलो सतराज भाई। हाँ चलो फिर मिलते हैं। तो अभी हम बैंड्रा उतर गए हैं और ये बस जा रही है। चलो फिर मैं भी अभी जाता हूँ घर। और अभी बस तो गई कॉटन ग्रीन JK ट्रैवलर्स। तो अभी हम नेक्स्ट ट्रिप के लिए जाएंगे कहीं पे, तब तक के लिए थैंक यू। और इतना थोड़ा वीडियो लेट आई इसलिए सॉरी। बाय बाय।